बाल दिव्यांग विकास संगठन से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय विकास पार्टी डी में शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव। आपको बता दें, आल दिव्यांग विकास संगठन के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वह केवल संगठन के संस्थापक ही रहेंगे। उन्होंने अपनी पुरानी राजनीतिक दल की जिम्मेदारियां थामते हुए राष्ट्रीय विकास पार्टी डी में कुल 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान में दिव्यांगों, 11 वृद्धों, विधवा, युवा किन्नरों को हक दिलाने के लिए विधानसभा लोकसभा में जाने के लिए राष्ट्रीय विकास पार्टी डी पूरे भारत में एकजुट होकर अपने हक के लिए एक हो जाए। फिर संगठन के संस्थापक धर्मेंद्र यादव जी ने रविशंकर प्रजापति को कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया और राष्ट्रीय विकास पार्टी डी के जिलाध्यक्ष अमरोहा जयचंद गौतम को मनोनीत किया और सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए एक एक गाँव में जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। देखिए इस वीडियो में। करने का उद्देश्य मेरा ये था कि मैंने आल दिव्यांग विकास संगठन से इस्तीफा दे दिया और मैं अपने विकलांगों, विधवाओं, वृद्धों के लिए विधानसभा लोकसभा में पहुंचने के लिए एक मुहिम चला रहा हूँ। उस मुहिम को मैं 2011 से मेरा रजिस्टर्ड मामला है। मैं राष्ट्रीय विकास पार्टी डी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी थाम रहा हूँ। उस पद को थामने की वजह से मैंने ऑल दिव्यांग विकास संगठन से इस्तीफा दे दिया और उसका कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष रविशंकर प्रजापति को बनाया गया और मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी मैंने कोई घोषित नहीं करा। जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। बाकी मैं राष्ट्रीय विकास पार्टी डी के बैनर तले विधानसभा, लोकसभा और नगरपालिका के चुनाव में अहम भूमिका निभाऊंगा। अब की बार 2024 में राष्ट्रीय विकास पार्टी टी के माध्यम से प्रत्याशी खड़े होंगे। संगठन में जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी के लिए जो मेहनत से कार्य करूंगा और अपने दिव्यांगों से उनसे इतनी वो रखूंगा उम्मीद, क्योंकि वो अपनी मेहनत में खरा उतरे, ठीक है, और उनके ताई इतना प्रयास करूंगा कि वो दिव्यांग हमारे उनकी मांगे हैं जो भी हैं और हम अपने अपने आल दिव्यांग विकास संगठन कार्यभार संभालते हुए हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमारे अध्यक्ष जी ने हमें ये कार्यभार संभाला है।